हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धानी सर्विसेज शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं धानी सर्विसेज शेयर के ऊपर। धानी सर्विसेज शेयर में अगर हम बात करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हम लोगों को 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 10:30 AM के बाद से ही कंटिन्यूसली यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला और लास्ट तक स्टॉक आपको सर्किट में ही ट्रेड किया है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में एक अच्छा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक में बाई करने का सही समय आ गया है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर अपर सर्किट लग रहा है तो क्या इस स्टॉक में बाइंग का सही समय आ गया है? इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो खुद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और साथ ही साथ खुद आप कंक्लूड कर पाएंगे जो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे धानी सर्विसेज के शेयर के चार्ट के ऊपर तो क्लियरली हम लोगों को देखने में आ रहा है जो यहाँ पे क्लियरली आपको प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अपर सर्किट का तो इससे पहले अगर क्लियरली देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया था, वापस से यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको अपर सर्किट लगा था और यहाँ पे बहुत से रिटेलर्स आपको ट्रैप हुए थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो स्टॉक में जो हायर टाइम फ्रेम में है स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस स्टॉक के हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो मंथली चार्ट में आप यहां पर क्लियरली देख रहे हैं जो स्टॉक अभी भी प्रीवियस मंथ के लो के नीचे हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करेंगे प्रीवियस मंथ का लो था 44.80 रुपीज का है और अभी अगर बात करेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 41.90 रुपीज पे। अगर इस स्टॉक का इस मंथ का लो देखेंगे तो 34.50 रुपीज का है और हाई जो है वो आपको 49.25 रुपीज का है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 मंथ के लो के नीचे अभी भी स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक इस स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो हायर टाइम जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है। इन बिटवीन आपको यहाँ पे जरूर जो है एक उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो इस गिरावट इस उछाल से पहले कंटिन्यूसली स्टॉक यहां पे फॉल कर रहा था, तो यहां पे एक रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड था और हम लोग यहां पे जो है इस उछाल में अभी हम लोग बाय नहीं करेंगे। हम लोगों का रूल है जो कभी भी अगर स्टॉक फॉल हो रहा है फर्स्ट बाउंस में हम लोग कभी भी बाय नहीं करते हैं। अगर वापस से सेलर्स यहाँ पे आते हैं और उसके बाद अगर बायर्स इस लो को डिफेंड करते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग इस ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको अगर सपोज यहाँ पे फर्स्ट बाउंस एक ट्रैप रहेगा तो आप यहाँ पे बच जाएंगे और उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाउंस है, अभी यहाँ पे आपको इमीडिएटली बाय नहीं करना चाहिए, यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए। अब अगर बात करेंगे हम लोग वीकली बेसिस पे तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को कोई भी रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। कंटिन्यूसली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा फॉल हुआ, वापस से कंसोलिडेट किया, अगेन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा फॉल हुआ, वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना भी होगा तो स्टॉक को पहले जो है आपको इस लेवल को ब्रेक करना होगा, तो स्टॉक में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा भी वो आपको 72 के लेवल के ऊपर ही बनेगा। तो जब तक स्टॉक 72 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है यहाँ पे इस स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है। इन केस अगर आपने पोजीशन ले भी लिया है
आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी अभी आपको क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना चाहिए। एक बार प्रॉपर लेवल्स आ जाए 72 के लेवल के ऊपर, वीकली बेसिस पे स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, फिर हम लोग इस स्टॉक में जो है फ्रेज बाइंग कर सकते हैं या फिर जो है अपने पोजिशन को एवरेज भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।